जब लोग एक साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो बड़े से बड़े मुद्दे भी हल हो जाते हैं। साथियों, ऐसा ही एक मुद्दा ब्रू-रियांग जनजातियों के पुनर्वास का। कुछ दिन पहले ही त्रिपुरा और मिजोरम के बीच अधर में जीने के लिए मजबूर ब्रू-रियांग जनजातियों के पुनर्वास का ऐतिहासिक समझौता हुआ है। करीब ढाई दशक बाद हुए इस समझौते से हजारों परिवारों को अब अपना स्थायी घर, स्थायी पता मिलना निश्चित हुआ है। ब्रू-रियांग जनजातीय समाज के इन साथियों को ठीक से बसाने के लिए सरकार द्वारा एक विशेष पैकेज दिया जाएगा। साथियों, आज देश में हमारी सरकार की ईमानदार कोशिशों की वजह से ये भावना विकसित हुई है कि सबके साथ में ही देश का हित है। इसी भावना से कुछ दिन पहले ही गुवाहाटी में 8 अलग अलग गुटों के लगभग 650 कैडर्स उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ करके शांति का रास्ता चुना है। इन कैडर्स ने आधुनिक हथियार, बड़ी मात्रा में विस्फोटक और गोलियों के साथ अपने आप को सरेंडर कर दिया, शांति को सरेंडर कर दिया, अहिंसा को सरेंडर कर दिया। अब इन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत रिहैबिलिटेट किया जा रहा है।